आप नंबर बताएंगे? 0639। अच्छा, कितना समय लगेगा आने में? अच्छा, पेशेंट छोड़ के आ रही है? कौन सा केस में? हेलो, पेशेंट छोड़ के आ रही हो? केस क्या था? ड्रॉबैक था, ये आपका डिलीवरी की आईडी बताओ कि उसकी क्या है। बच्चे को दिखाने आए थे। अच्छा, आईडी क्या है उनकी? किसकी आईडी? अरे, केस लेके गई हो आप, उसकी आईडी क्या है? अभी बता रहे थे। एम्बुलेंस लेके गए थे कि अपने वाहन से? अरे, अपने वाहन से लेके गए थे साहब हम तो। अच्छा, एम्बुलेंस आपको उपलब्ध आपने की नहीं थी? फोन किया था, रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ? रिसीव हुआ था एक बार, तो क्या नाम, जब से बात ही नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, फिर हम अपने वाहन से गए। तो छोड़ने गई थी एम्बुलेंस? छोड़ने तो गई थी? कोई नहीं छोड़ने गया था, कुछ नहीं। ना छोड़ने आई, लेने ले गई? कब का है ना? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप भैया? जसवंत नगर से। जसवंत नगर से। क्या नाम है आपका? हरिओम। मरीज का क्या नाम था? अनीता कुमारी। आप अपने बाहन से आए थे हैं? अच्छा, जसवंत नगर खास में रहते हैं आप? नंगला अर्जुन मॉडल तहसील पीछे गांव है। अच्छा, आप आपको अपना आधार नंबर याद है? हाँ, आधार नंबर नहीं याद है भैया, नहीं बता दो। कुछ भी पता हो आगे पीछे का, कुछ भी? नहीं, आधार नंबर तो नहीं कंफर्म है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक। इसमें ये अनीता नाम की है, सर, इसने तो ये बताया है कि हमने हमारा मरीज ना एडमिट हुआ ना छोड़ने आई, जबकि ये राइटिंग आप ही की है? हाँ, राइटिंग मेरी है। तो फिर ये आपने कैसे कर दिया? एडमिट नहीं हुआ, ये पेशेंट आया था हॉस्पिटल में। हाँ, और एम्बुलेंस से तो नहीं आया? कौन कह रहा सर? मैं कह रहा हूँ, मेरी पेशेंट कह रहा है, अभी कॉल हुई है, आप बताएं आपके सामने, फिर करें, कर लीजिए सर, पूछिए। आप पूछिए तो पूछिए। मेरी बात सुनिए सर, आप पेशेंट जैसे आता है मैं पूछ के ही लिखती, जैसे पिकअप में आया पेशेंट तो हम तो बार बार नहीं जा सकते ना वहाँ पे गाड़ियों में कि कौन सा आया कौन नहीं आया। पेशेंट आता है तो मैं उससे पूछती हूँ, आप 102 से आए या अपने साधन से आए? तो पेशेंट अगर बोलता है 102 से आए तो मैं अपने रजिस्टर में भर देती हूँ 102 से आए। आप एक बार इस पेशेंट को कॉल करिए अपने फ़ोन से, ये बताएगा। अभी दो जगह कॉल की, एक जगह और की है। आपको सुविधा मिली है कि नहीं? अच्छा, अनीता से बात हो पाएगी? ये बोल रहे हैं 1 तारीख को आप एम्बुलेंस से आए थे, जांच अच्छा, अनीता जी से पूछा गया था तो वो बोली थी 102 से आए हुए हैं। उनका पूरा बायोडाटा लिखते हैं, वो बोलता अगर एम्बुलेंस से आए तो एम्बुलेंस से दिखा देते सुधा। तो एम्बुलेंस जो ड्राइवर होता है वो भी तो आता होगा ना साथ में हैंड ओवर करने के लिए? हैंड ओवर में ऐसे जैसा पेशेंट आया, मरीज नंबर भी बताता है एम्बुलेंस का आपको? नहीं, तो इतना मरीज नहीं रहा। तो गाड़ी नंबर कहाँ से? गाड़ी नंबर जो हम भिजवाते हैं अपने जो हम मरीज भिजवाते हैं
जैसे मैंने भिजवाया ड्रॉप करवाया 0541 से, तो मैं मुझे पता है ना मैंने उसको भिजवाया, तो वो हम लिखते हैं। और जो मरीज आता है उससे उसको उसको गाड़ी नंबर कैसे पता लगता है आपको? अरे वो ऐसे बताता है 108 से आया, 102 से आया, वो गाड़ी पूरा नहीं बता पाता, गाड़ी चली नहीं है, नंबर कैसे उस पर पड़ गया? पेशेंट अभी आपके सामने एक ने मना किया है कि हम आए नहीं हैं एम्बुलेंस से, उसके बाद रजिस्टर में आपके चढ़ेंगे। तो अब ऐसे पेशेंट ने बोला, उसके वाइफ ने बोला, तो मैंने लिख दिया। नहीं कैसे बोला, जब वो आई नहीं आपके सामने, आपने तो कॉल किया है ना? हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं आए, उसकी वाइफ से मेरी बात हुई। नहीं तो जब जब हस्बैंड साथ में आया लेके, तो वाइफ वाइफ से कैसे बात? कभी आना ओपीडी में कितनी भीड़ लगती है, तो आपके पास जब आया ही नहीं है तो उसका नंबर कहाँ से आ गया एम्बुलेंस का आपके पास? कैसे? जो आपने एम्बुलेंस नंबर लिखा है ना, मैंने 102 डाला है, एम्बुलेंस नंबर नहीं डाला उसमें। अच्छा। उससे ये पूछा है 102 से आए, 108 से आए। अच्छा। तो बस ये डाल देते हैं, लेकिन गाड़ी नंबर नहीं डालते। गाड़ी नंबर जब डालती हूँ, जब मैं खुद देख के भेजती हूँ। तो लेकिन अभी अभी आपने कॉल किया है, आपके सामने उसका हस्बैंड मना कर रहा था कि मैं अपनी, तो मैंने हस्बैंड से बात नहीं हुई थी उस टाइम पे। ओपीडी के समय हस्बैंड से नहीं बात होती, जेंट्स अलाउ नहीं रहते यहाँ पे। ओपीडी महिला आती है, महिलाओं से पूछताछ की, महिला से पूछा, पर्चा लिया, मैडम किससे आए, उसने बताया गाड़ी से। वो तो कह रहा है प्राइवेट से आए, तो मतलब ये तो आपने, तो आप मैं, हम क्या बोले, आप हस्बैंड से नहीं बात हुई मेरी, महिला से बात हुई। महिला जब आई नहीं एम्बुलेंस से, तो वो कह दिया उसने कि एम्बुलेंस से आई है। भाई जेंट्स थोड़ी ना चेकअप कराने आया, उससे तो मैंने पूछा नहीं। ठीक ठीक, मैंने महिला से पूछा। मान लीजिए महिला से पूछा, लेकिन उसकी डिटेल तो जाती होगी ऊपर, ये एम्बुलेंस से इतने केस गए हैं, इन्फॉर्मेशन तो जाएगी भाई ऊपर, नहीं जाएगी। आप विनती करते हैं, आप ऊपर परिषद का नहीं, ऊपर ये हम रजिस्टर में भर के छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। एक ही डेट में हर 5-5 मिनट में 4 बार लगातार एक ही एम्बुलेंस जाती है एक ही नंबर की, क्या आपको लगता है कि संभव है ये ड्रॉप करने? एक एम्बुलेंस गई और उसके 10-15 मिनट बाद फिर दूसरी गई, उस वही गाड़ी, ऐसे एक एक गाड़ी 4-4 बार एक ही समय पे, समझ में नहीं आ। कितनी देर में वापसी आती है ड्रॉप करके मरीज को? अगर पेशेंट पास का 5 किलोमीटर का रहता है, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से ऐसे ही लगता है, 5-9 मिनट में जाएगा, 9 मिनट में आएगा, 20 मिनट मान लीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा 10:35 पे गई चानरपुर छोड़ने, और 10:45 पे फिर चलो, तो हमने एक अपना समय डाला, वो ऐसा नहीं है। जैसे पेशेंट आया मेरी गाड़ी से, तो हम अपने हिसाब से डाला, मैंने अपने हिसाब से टाइम डाला। तो ये यहाँ पे जो लिखा पड़ा मेंटेनेंस वाला, जो फर्जी है सर टोटल, क्यों फर्जी है? क्यों जब आप अपने हिसाब से टाइम डाल लेंगे तो क्या हुआ है? अब मरीज एक साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि मैं अपने हिसाब से डाल, आप कह रही है ना कि अपने हिसाब से टाइम डालते हैं। अब ये बताइए एम्बुलेंस जितने बजे जाएगी वही तो टाइम डालेंगे आप, कि आप अपनी मर्जी से डालेंगे? एक एम्बुलेंस लगातार 10-10 मिनट में आप 4 बार भेज रही हैं उसको, तो क्या होगा? ये क्या है, फर्जी नहीं है ये, आप बताएं। तो मैं असाइन टाइम डालती नहीं उसके हिसाब से? नहीं तो क्यों नहीं डालती हैं आप, जब एम्बुलेंस जा रही हो वो टाइम क्यों नहीं डालती हैं? क्या इंस्ट्रक्शन है आपको ऊपर से, इंस्ट्रक्शन क्या है? जब गाड़ी डिपार्चर होगी यहाँ से जाएगी तभी तो टाइम डालोगी, क्या आप अपने हिसाब से डालोगी? सुबह गाड़ी गई आप शाम का टाइम डाल दोगी? या गाड़ी गई 10 मिनट में, हर 10 मिनट में एक ही गाड़ी को आप 4 बार दिखाओगी? बताएं। चलिए इसका भैया, ये जिस समय ये ड्यूटी पे चढ़ा है रजिस्टर, इस समय ड्यूटी पे कौन था? रिचा। रिचा मैडम थी। किस पद पे हैं रिचा? एचबी। कहाँ पे कार्यरत हैं? ये जिला अस्पताल। जिला अस्पताल कहाँ पे है ये जिला अस्पताल? महिला जिला अस्पताल इटावा। इटावा। अच्छा, ये जिस समय ये हेल्प डेस्क बनी है जो एम्बुलेंस के लिए, यहीं पर बैठती हैं जी? तो ये उन्होंने ही लिखा है ये? ये देखिए आप थोड़ा गौर से, तो ये फर्जी तरीके से लिख दिया जाता है इस तरीके से? कॉल नहीं की अभी आपके सामने, पेशेंट से बात की, पेशेंट मना कर रहा है कि कोई कॉल नहीं आई है ना, जैसे किसी पेशेंट के पास फोन नहीं है तो किसी साथ वाले का फोन ले लिया, उसने कॉल की नहीं, पेशेंट अभी तो पेशेंट से बात हुई ना, पेशेंट बता रहा है कि मेरी मिसेज का नाम, किसी को उसने सुविधा दिलाई हो कोई पेशेंट लेने, अब किसी के पास मरीज सीरियसली है और उसे नहीं मिल पा रही सुविधा और नहीं है फोन, तो उसने किसी से लेके, आज के दौर में आपको मालूम है किन लोगों का फोन नहीं है? जो एक सफाई कर्मी रहता है, जो भीख मांगता है उस पर भी फोन है। बहुत से लोग आते हैं जिनके फोन में बैलेंस नहीं होता, कॉल नहीं लगती और उन्हें जरूर। आप मुझे ये बताइए, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने ये सुविधा ली ही नहीं हो, मेरा पेशेंट एडमिट था। आप उस व्यक्ति की किसी को फोन दिया हो 102 पे कॉल करने के? आपने उस पेशेंट को दिया ना सुविधा?
उसका पेशेंट यहाँ एक आवा में आया है, एडमिट था, डिस्चार्ज हुआ, फिर उसको सुविधा दी नहीं और नाम उसके आपने सुविधा उसके नाम इशू कर दी, इस विषय में बताइए आप। नहीं तो उसने लगवाई जरूर होगी, उसको याद ना हो, ऐसा हो सकता है याद ना हो। याद यार कल का केस है, दो एक तारीख में, उसको पता ही नहीं है। लगा सर बात पूरा बोलो। चलो पहले सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, जिला अध्यक्ष टावा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 108-102 एम्बुलेंस सर, जीवनदानी स्वास्थ्य विभाग 108-102। सर आज मैंने डीएम साहब को ज्ञापन, कई बार ज्ञापन हम लोगों ने दिया, ज्ञापन होने का कोई मतलब नहीं निकला। जिस सरकार के नीचे जीवीके एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम है, जिसको महत्वपूर्ण सेवा के लिए अवसर दिया गया है 108-102 एम्बुलेंस संचालन करने का, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने उसकी जांच भी कराई, जांच में ही फर्जीवाड़ा बहुत साबित हुआ। इसके बाद भी जांच की कोई हुई और जांच में कोई नुस्खा निष्कारण नहीं हुआ। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण योजना जो चलाई है उन्होंने, इस पर ध्यान दें और इसकी जांच कराएं। जो फर्जीवाड़े मरीज को एम्बुलेंस सेवा नहीं उपलब्ध हो रही इसलिए कि वो फर्जी केसों में दौड़ती है, फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर लगा करके दिन भर गाड़ी दौड़ती है, एक भी मरीज को सेवा नहीं मिलती। अंत में मरीज को जब कॉल करता है तो वो मरीज मर जाता है, लेकिन एम्बुलेंस उसको नहीं प्रोवाइड हो पाती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, क्या लगता है इतने बार ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? पता नहीं सरकार की ढिलाई से हो रहा है ऐसा, या सरकारी तंत्र की वजह से, क्या उनकी समस्याएं हैं जो इसकी जांच पूर्णता नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार अच्छी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब परिवार से जो लोग हैं एम्बुलेंस की सेवा लेना चाहते हैं, आखिर समय पर सेवा नहीं मिली, जिसके दम तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण केवल यही है, फर्जी गाड़ी, जब गाड़ी फर्जी आईडी में दौड़ती रहेगी, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर से गाड़ी दौड़ती रहेगी, मरीज को सेवा नहीं मिल पाएगी। वो चाहे दिन भर मरीज सड़क पर तड़प तड़प के प्राण दे दे, क्योंकि गाड़ी खाली नहीं होगी। ये घटना कहाँ की है? सीएससी केंद्रों की है या इटावा जिला? ये पूरे आल उत्तर प्रदेश में यही सेवा चल रही है। किस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? यही फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी मोबाइल से, फर्जी नंबर से आईडी ली जाती है, फर्जी गाड़ी दौड़ती रहती है दिन भर, मरीज को अगर कॉल की जाती है तो मरीज को गाड़ी नहीं मिलती। तो क्या ये एम्बुलेंस वाले प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं मरीजों को या और कहीं ले जाते हैं? प्राइवेट में भी ले जाते हैं, सरकारी में तो उनका जाना ही है, लेकिन जहाँ उनको मर्जी होती है, क्योंकि उसमें जब मरीज ही नहीं है तो ले कहाँ जाएंगे वो।